आपका नाम क्या है और आपका पद क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मैं मोनिका मनमोहन चावड़ी छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ। पूर्व विधायक अखिल भारतीय पुराना पार्टी से संभालते हम लोग यहाँ पे आए। आज यहाँ पे हजारों की तादाद में इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और परिवार से मिलकर एक बात क्लियर हो चुकी है, परिवार और हम लोग आज से यही मांग लेके आए कि हम लोग सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। अभी हमारी बात नहीं है परिवार वालों से, जो कि हम ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इतनी सारी मध्य प्रदेश के और पूरे देश के इतिहास में जो सबसे बर्बर हत्याकांड हुआ है, पांच आदिवासी परिवार के सदस्यों को जिसमें चार आदिवासी बालिकाएं थी, उसमें उनकी 45 वर्षीय माता दीदी की एक सदस्य और उन सब के साथ पहले सामूहिक रूप से बलात्कार कर उनको बर्बर हत्याकांड जो अंजाम दिया गया, हम आज नेमावर में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करते हैं इस बर्बर हत्याकांड में शामिल सभी षड्यंत्रकारियों को, सभी हथियारों को पकड़ने के लिए इसकी सीबीआई जांच हो, यह हमारी पहली मांग। और दूसरी जो हम लोगों की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार पीड़िता के जो परिवारों के जो सदस्यों की डेथ हुई है, एक एक परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दे, ये हमारी पहली आखिरी मांग है। और अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार इन मांगों पर विचार न करते हुए सीबीआई जांच नहीं कराती तो हम मध्य प्रदेश विधानसभा घेरेंगे और प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी विधानसभा घेराव करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण मांग और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस हत्याकांड से पहले जो परिवार पीड़ित परिवार गायब हुआ था, 13 मई को उसकी सूचना पुलिस थाने में कर दी गई थी पीड़ित परिवार ने। 45 दिन लगे पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में, तो इसके पीछे पुलिस विभाग के जो भी अधिकारी यहां पदस्थ रहे हैं, पीआई से लेके एसपी से लेके इस जोन के डीआईजी से लेके सबको सरकार तबादला करे तुरंत, उसके बाद ही जाँच करे इस केस की। और इस हत्याकांड में आरोपियों ने इस पिछले इन 45 दिनों के भीतर जिन जिन लोगों से इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों से बात करी, उन्होंने मोबाइल से कन्वर्सेशन किए, उनके सारे मोबाइल जब्त किए जाए और उनकी पूरी फॉरेंसिक जांच कर षड्यंत्रकर्ताओं, मतलब हमारी एक और मांग है कि जो आरोपी 7 बनाए गए इस हत्याकांड में, आरोपी 7 से कई गुना ज़्यादा है, यह सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचा रहा है और प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी न्याय की मांग कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती जल्द से जल्द, तो हम जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश विधानसभा घेराव करेंगे। सर आपका नाम, आपका पद और कहां से आए आप सर? मैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, मैं जय आदिवासी युवा शक्ति का राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर से विधायक हूँ। सर एक पीड़िता जो है वो भी अभी सदमे में है, उससे आपकी क्या बात हुई है, उसने कुछ बताया है भैया? मुझे दुख है कि आज हम पीड़ित परिवार के घर गए हैं और आज भी जो पीड़ित 2 बच्चों की जो माँ है पीड़िता, वो बेहोशी हालत में है। हम ऐसी कंडीशन में उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन मध्य प्रदेश शासन से शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करते हैं कि पीड़िता को उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसके लिए कड़ी सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की जाए। और पीड़ित परिवार से बात करने के बाद पता चला है कि इस हत्याकांड में कई और लोग शामिल है, गठन कर हत्यारों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा। सर भय में भी परिवार पूरी तरह से है और उनको सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, 4 पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है, 4 पुलिस के जवान, हमें लगता है कि पुलिस बल की और आवश्यकता है, उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपील करेंगे? नरोत्तम मिश्रा जी से मांग करता हूँ कि आप वास्तव में अगर आदिवासियों की सुरक्षा के लिए चिंतित है या चिंतित होते तो सबसे पहले आपको परिवार को सुरक्षा देने के लिए 4 की बजाय यहाँ पे 50 सुरक्षा बल तैनात करने चाहिए थे, क्योंकि आज भी जो पीड़ित परिवार के लोग दहशत में हैं और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है
कि अगर उनको उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई तो उनके साथ भी वही अंजाम हो सकता है जो उनके परिवार के साथ हुआ। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करता हूँ, और मैं ये भी मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप पीड़ित परिवार के यहाँ पे आइए, उनका दर्द समझिए, और वास्तव में आप प्रदेश के मामा है, अपनी भांजियों के रखवाले है, अपनी भांजियों की सुरक्षा की चिंता है, तो आप अपनी भांजियों के परिवार से मिलकर उनका दर्द समझिए और हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए आप जल्द से जल्द कदम उठाइए। आदिवासी समाज जिस तरह से आज आया है, आगे आपकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है, परिवार के साथ नहीं दिया जाता है, क्या फिर से आदिवासी समाज इसी तरह से इनके साथ खड़ा रहेगा? हमारा जो आदिवासी समाज और हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन और हमारे गोंडवाना आंदोलन के जो समस्त राजनीतिक दल और प्रदेश के समस्त राजनीतिक दल, इसमें 47 आदिवासी विधायक और आदिवासी समाज मिलकर मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार इस हत्याकांड में सीबीआई इंक्वायरी नहीं करती है और आरोपियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं करती है। नहीं नहीं, आज जो है वो दिख रहा है। इन्हें बहुत सारी जानकारी है, कुछ कुछ दबाव में है, बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करना चाह रही है, वो अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, दबाव में है। एक मिनट सुन लीजिए, उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक गतिविधियों के तहत एक दुष्कर्म किया गया है, ठीक है, वो उन्होंने मुझे बता चुकी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो अभी थोड़ी दुखी भी है, इनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, थोड़ा आप बता दीजिए उनकी तरफ से, थोड़ा सा जो अभी बता रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि कुछ इन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक लोगों का भी इसमें हाथ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे पुलिस कर्मियों से बोलना चाहूंगी, इन्होंने मुझे बताया कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई है यहाँ पे जहाँ पुलिस वाले लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, जहाँ उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। तो अगर हम सभी लोग मिलकर सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सीबीआई जांच होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कुछ कुछ राजनीतिक जो लोग हैं जिनका हाथ है, सभी लोगों का खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगी कि सभी लोग अब बच के रहे, क्योंकि हम लोग अभी मैदान में इस परिवार के साथ साथ देने के लिए, खून पसीना बहाने के लिए आए हैं आज हम लोग यहाँ पर। बोलो सभी लोग, आदिवासी सुन रहे हो आप लोग हमारी जहाँ, ये परिवार को न्याय जरूर मिलेगा।